गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर है, जो एट लास्ट विल लीड अस टू पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। ये भी टॉपिक तुसी प्लस टू के बड़े डिटेल च पढ़े हुए है, पर आप भी इसनों फरदर डिटेल के डिस्कस करांगे इन्हां टॉपिक्स नूं। तो पहले गल करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, कि कंजर्वेटिव फोर्सेस की होंदियां हैगियां। पहले मैं चेक कर ला मेरा OBS चलता कि नहीं चलता, कई बार हाँ चल रहा है। हाँ जी, तो मैं गल कर रहा सी कि कंजरवेटिव फोर्सेस, तो कंजरवेटिव फोर्सेस का मतलब होंगे कि जो वर्क किया जाता है तो वर्क करने के दौरान पार्टीकल या सिस्टम एक जगह तो दूसरी जगह पर डिस्प्लेस किया जाता है। तो कंजरवेटिव फोर्सेस ऐसिया फोर्सेस होंगे कि जो तुम पार्टीकल या सिस्टम पॉइंट पी तो पॉइंट क्यू डिस्प्लेस करो तो जी वर्क डन की जी अमाउंट होएगी या वर्क डन होएगा वो पाथ के उपर डिपेंड नहीं करेगा कि तुम पी तो क्यू तक जाते हुए कि पाथ अडोप्ट किया। राइट, तुम सिर्फ पी तो क्यू तक पहुँचे हो, ठीक है, जस्ट वो पॉइंट की रैलेटिव पोजिशन मैटर करेगी, ना कि तुम पी तो क्यू तक किमें पहुँचे, यानी कि पाथ के राही पहुँचे, तो उस दे उपर वर्क डन जिहड़ा हैगा डिपेंड नहीं करेगा। तो उस केस दे विच आपां जिहड़ी फोर्स होएगी, दैट फोर्स जिस दे अगेंस्ट वर्क किया जा रहा है, उस फोर्स नूं आपां कंजरवेटिव फोर्स कहांगे। फॉर्मल डेफिनेशन इहदी हैगी है, कंजरवेटिव फोर्स इज ए फोर्स विद ए प्रॉपर्टी दैट द टोटल वर्क डन इन मूविंग पार्टीकल बिटवीन टू पॉइंट्स, आ जिहड़े पी ते क्यू जिहदी मैं गल कर रहा है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। राइट, मतलब पी तो क्यू तक जाते तुसी केड़ा रस्ता अपनाया तो उहदे इंडिपेंडेंट होएगा जरा वर्क डन होएगा। इक्वलेंटली वर्क डन इन क्लोज लूप शैल बी जीरो, मतलब जितों चल एक जगह तो चल गए तुसी घूम घुमा के फिर उस पॉइंट पर आ गए तो फिर जरा वर्क डन जो है जीरो होएगा, सिर्फ कंजरवेटिव फोर्सेस के अंडर ही, होर दूजिया फोर्सेस के नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक बेस्ट एग्जाम्पल हैगी कंजरवेटिव फोर्स की। किवें तुसी सपोज कर लो कि पौड़ियाँ उपर चढ़ रहे हो, राइट, पौड़ियाँ राही तुसी उपर थले होंगे हो ना, तो उपर चढ़ते हो, तो या तुसी फिर किसी रस्सी राही चढ़ो उपर छत के उपर, या कोई एक मतलब सिलेंटर स्लोप के राही उस छत के उपर चढ़ो। तीन अलग अलग तरीके ने, तीन अलग अलग तरीकों के लौंग जो तुसी मूव किए तो इको क्वांटिटी से तुहानू वर्क करना पड़ेगा, पौड़ियाँ राही या सिलेंटर सिलेंटर जी अपना जिन्हों कह दें आप जो आम तौर पर हॉस्पिटल वगैरह च देखते हो तो स्लोप के उपर जो चढ़ते हो उस कई बार आप व्हीलचेयर लेके जानी होंगी है, तो या तुसी कोई रस्सी नाल चढ़ जाओ, रस्सी को पकड़ के जिस तरह कोई टारजन वगैरह करता हों, तीनों केस इको अमाउंट का जोड़ा है वर्क थोड़ा करना पेगा। इन्होंने जो रस्सी ना चढ़ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि वो थोड़े हाथों की ताकत ज़्यादा थोड़ा लगानी पेगी, पर वर्क की अमाउंट जी उन्नी ही लगू तिना केस। तो ऑन कंट्रेरी जी फ्रिक्शनल फोर्स हैगी नॉन कंजरवेटिव फोर्स हैगी। राइट, फ्रिक्शनल फोर्स जिमें सपोज कर लो तुम एक तो स्ट्रेट रस्ता चूज कर लो, एक वैल्यू आएगी वर्क डन की, फिर तुम एक कर्व रस्ता चूज कर लो दूसरी वैल्यू आएगी वर्क डन की, क्योंकि नैचुरली कर्व रस्ता चूज करोगे ज़्यादा थोड़ा कम करना पेगा, ज़्यादा वर्क डन होएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जी है कि बेस्ट एग्जाम्पल है कि नॉन कंजरवेटिव फोर्स। राइट, तो जरा सिस्टम होएगा कंजरवेटिव फोर्सिस का उसनों आप कंजरवेटिव फील्ड कहोंगे। राइट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही कंजरवेटिव फोर्स हो, मल्टीपल कंजरवेटिव फोर्सेस भी एक्ट कर दी हो सकती है, तो उसनों आप कंजरवेटिव फील्ड कहोंगे। तो थोड़ी लिए एक तरह की असाइनमेंट कर लो या तो साढ़े लिए अपना एक वर्कआउट है प्रैक्टिस के तौर पर, तो देखियो कि इलैक्ट्रिक फील्ड और मैगनैटिक फील्ड कंजरवेटिव फोर्स है या नहीं है, यदि जांच करके देखियो। राइट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की मैं एक एग्जाम्पल देती है तो इलैक्ट्रिक तो मैगनैटिक फोल फील्ड तुम आपे स्टडी करो कि वैदर दे आर कंजरवेटिव और नॉट। सो एनर्जी जो है, एनर्जी एक तरह की तुम वर्क कि कर सकते हो, ठीक है, तो बॉडी की एनर्जी हो जाएगी। राइट,
ज़्यादा वर्क कर रही होएगी बॉडी या कोई एजेंट तो ज़्यादा एनर्जी होगी, राइट। मतलब कपैसिटी टू डू वर्क बाय एन एजेंट इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। तो दो तरह की एनर्जी होंगी है, कैनेटिक एनर्जी होंगी जो कि पार्टिकल दे या ऑब्जेक्ट दे या सिस्टम दे मोशन करके होंगी है, तो पोटेंशियल एनर्जी जी होंगी है ये पार्टिकल या सिस्टम या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजिशन के अकॉर्डिंग होंगी है। कैनेटिक एनर्जी जिम्मे सपोज कल कोई कार चल रही है और एक एनर्जी है मोशन के एक अपनी एनर्जी है जो वो मोशन के करके बनेगी, दैट विल बी द कैनेटिक एनर्जी। तुम कहो एनर्जी किमें आएगी, तो अगेंस्ट वर्क करना पेगा उसको रोकने के लिए, है ना। तो एक पोटेंशियल एनर्जी होंगी है, मतलब टैंकी के पानी पिया होया है ना, रबड़ बैंड के टेंशन स्टोर हो जाती है रबड़ बैंड या स्प्रिंग दे विच, ता वो एक फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होंगी है। यो जो पोजिशन पर डिपेंडेंट होंगी है, टेंकी का पानी क्योंकि हाइट पर पिया है तो उस पानी के वैसे तो वह स्टिल है, पर जो तुम टैप खोलोगे तो वह स्टिल पानी की या वाटर की थोनू एनर्जी महसूस होएगी, दैट एनर्जी इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी। सेम स्प्रिंग की या किसी इलास्टिक बैंड के जी है पोटेंशियल एनर्जी की गल कर सकते हैं। एक्सप्रैशन फॉर कनेटिक एनर्जी आपको पता है प्रूव करनी, एक बड़ा दो एम वी स्केयर हैगी प्रूव करनी है, राइट। सपोज कर लो पार्टीकल जोड़ा है वो इस पार्टीकल ए पॉइंट तो बी पॉइंट किसी कर्व के लाउंग आप मूव करते हैं, ये वलॉसिटी जी पार्टीकल की वी है, राइट। किसी कर्व के लाउंग मूव कर रहा है तो स्टैंडर्ड पॉइंट जो इतने वो लै रहे हैं, स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ रैफरेंस जो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के रैलेटिव हो सकता है। ये पार्टीकल ए तो लैके आप बी तक आप इस मूव किया है, तो यह मूव आ वेलोसिटी हैगी है। तो आप कनेटिक एनर्जी चैक करनी किन्नी होगी, कनेटिक एनर्जी चैक करनी आप रोकना पेगा। सपोज कर लो पार्टीकल जोड़ा ए तो उदों की वेलोसिटी वी सी, जो बी ते पहुँच गया तो इन रोक के बिल्कुल जीरो वेलोसिटी करती, इस तरह थोड़ा वर्क डन जो है इक्वल टू कनेटिक एनर्जी आ जाएगा, राइट। इतने जो ओ ए है वो एस वन है, ओ बी जो एस टू है, जी पी है यदि कोई इंस्टेंटेनियस पोजिशन है पार्टीकल की, मतलब किसी भी टाइम पर पोजिशन जी है। वर्क डन कि होगा टेकिंग द पार्टीकल फ्रॉम ए टू बी, वो है एस वन तो एस टू माइनस एफ, क्योंकि नैगेटिव ऑल ओपोजिट डायरेक्शन लगानी पैनी है वेलोसिटी दे इनटू डी एस, राइट। इतने जो एफ है उसनों आप बाय न्यूटन सैकेंड ला आप एम एफ लिख सकते हैं, एक्सेलेशन इहदा फॉर्मूला है वी डी वी बाय डी एस लिख सकते हैं, राइट। डी एस कट्टा जाएगा ए वी डी वी आ जाएगा, आ लिमिट्स भी तुसी चेंज कर सकते हो, ये अपनी वेलोसिटी वी तो जीरो हो जाएगी, इतने वेलोसिटी वी है तो इस जगह पर वेलोसिटी जी है वो जीरो है। इसनों तुसी जो इंटीग्रेट करोगे बड़ा सिंपल जी है गल इंटीग्रेशन की, तो तुसी जी रिलेशन हैगी एक बड़ा दो एम वी स्केयर जी है कनेटिक एनर्जी की ऑबटेन कर सकते हो, जो कि बड़ी पॉपुलर रिलेशन हैगी है कनेटिक एनर्जी के वास्ते, राइट। इस दे उपर एक नोट बना सकते आप जो आप कनेटिक एनर्जी का डेरीवेटिव करिए विद रिस्पैक्ट टू स्पेस या विद रिस्पैक्ट टू डिसप्लेसमेंट करके देखो, जो डेरीवेटिव है वी स्केयर का डेरीवेटिव होगा टू वी डी वी बाय डी एस, है ना, आ डेरीवेटिव आ जाऊगा वी का विद रिस्पैक्ट टू एस, इतों दो जो है एस इन कट्टा जाएगा, तो इतने जोड़ा वी डी वी बाय डी एस है ये अपना एक्सेलेशन के बराबर होंगे यानी कि एम एफ के बराबर होंगे, तो इतने एक एक रिलेशन साबित हो जाती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कनेटिक एनर्जी विद रिस्पैक्ट टू डिसप्लेसमेंट ये बराबर होगी इंप्रैसड फोर्स, हाई इंप्रैसड फोर्स ही होंगी सैकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, राइट। मतलब जिनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उन्नी जल्दी जोड़ा है डिस्टेंस जोड़ा है रेट ऑफ चेंज जरा कनेटिक एनर्जी का वो ज़्यादा होगा, राइट। चाहे उसको किसी ऑब्जेक्ट में चलते ऑब्जेक्ट को रोकने है या रुके ऑब्जेक्ट को चलाने है, राइट। जिनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उन्ना ही जल्दी उस कनेटिक एनर्जी चेंज होएगी। साइकिल लै लो, साइकिल में तुम पैडल मार दो जिनी ज़्यादा रफ्तार ना पैडल मारोगे है ना उन्नी जल्दी, जिनी रफ्तार मतलब एम एफ जिन्ना थोड़ा ज़्यादा होगा उन्नी जल्दी साइकिल तेज़ भजूगा, है ना। जे जान थोड़े घट है लत्त जान घट है मतलब इंप्रैसड फोर्स घट लगा सकते हो फिर साइकिल की स्पीड उन्नी जल्दी नहीं बद पाओगी पाएगी, है ना। तो दस रेट ऑफ चेंज ऑफ कनेटिक एनर्जी विद रिस्पैक्ट टू स्पेस इज मैगनीच्यूड ऑफ द इंप्रैसड फोर्स। उस तो बाद है पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन या वर्क।
work done by conservative force taking system from position P to position Q equal to difference of potential energy at P and potential energy है, तो मतलब कहने तो भाव है कि जरा वर्क डन होएगा कंजरवेटिव फील्ड दे नाल वो पार्टिकल की जी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो होएगा पी तो क्यू के उपर वो बराबर होएगा राइट। तुसी पार्टिकल पॉइंट पी तो पॉइंट क्यू मूव किया है राइट, तो जो वर्क डन होएगा दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज एट पी एंड क्यू। सिंस फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम आर कंजरवेटिव सो वर्क डन इन टेकिंग द सिस्टम फ्रॉम पोजिशन पी टू पोजिशन क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। हुण ते सिस्टम जिहड़ा हैगा इह इक पार्टिकल हो सकदा है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कोई भी होर एनीथिंग जो तुम अपने लैवल से दसना चाहते हो या कंसीडर करना चाहते हो। आप इन जनरल सिस्टम ले लिया ठीक है, पर तुम तो पार्टिकल भी लिख सकते हो। तो वर्क डन जो होएगा पी तो क्यों इंडिपेंडेंट होएगा। मान लो कि जी वी पी है सपोज कर लो पार्टीकल की पोटेंशियल एनर्जी है पी के उपर है ना। हम पोटेंशियल एनर्जी का की भाव होंगे कि तुम्हें पता होगा कि पार्टीकल उस पॉइंट से किसी इन फिजिक्स के पढ़िया होगा कि किन्ना मतलब वर्क डन लगा उस पार्टीकल नू उस पोजिशन पर लिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट है ना। इस तरह के कुछ तुम्हें पढ़िया होगा फिजिक्स के इतने वी पी जो है पोटेंशियल एनर्जी वो पी तो वो इतने स्टैंडर्ड पॉइंट है जिसे पॉइंट जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी आप स्टैंडर्ड एज्यूम करते हैं पी तो वो एफ टी डी एस। एफ टी की चीज़ हैगी पार्टीकल का जरा है मोशन के अलाउंग जो कंपोनेंट होएगा ठीक है। एफ टी इज ए कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो सिमिलरली वी क्यू आप इस तरह ही लिख सकते हैं मतलब आह हम वी पी का फार्मूला हो गया दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पी, तो आह वी क्यू मीन पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू मतलब वो स्टैंडर्ड पॉइंट के रिलेटिव ही लवेंगे। कई जगह तो इसमें इनफिनिटी भी लिया गया होंगे फिजिक्स में तुम्हें पढ़िया होगा, पर आप इतने वो ले लिया ठीक है। तो इतने वो इज अ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस। हम डिफरेंस लै लेने वी पी माइनस वी क्यू आ दोनों डिफरेंस लै लिया राइट। आप करा जरा आह वाला इंटैग्रल है ना डीकंपोज कर लेंगे पी टू क्यू तो क्यू टू ओ आ देखो डीकंपोज कर लिया पी टू क्यू तो क्यू टू ओ इकला इस वाले आह जरा अनटच रखा है। तो आह दोनों सेम ने आह वाला तो आह वाला ये दोनों आपस में कट्टे जाएंगे कला एक ही बच जाएगा पी टू क्यू। तो यह बड़ी सिंपल जी गल होगी फॉर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की होगा वर्क डन फ्रॉम पी टू क्यू वर्क डन नहीं है फोर्स इनटू डिस्टेंस राइट। तो उस तो बाद प्रिंसीपल ऑफ एनर्जी है द चेंज इन कनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस इज इक्वल टू वर्क डन बाय द इंप्रेस्ड फोर्स। पिछले आप इस तरह की रिलेशन देखी हैगी है। मतलब जिन्ना ज़्यादा काम करोगे उन्ना ज़्यादा जो है कनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मतलब साइकिल चला रहे हो जिन्ना ज़्यादा पैडल मारोगे उन्ना साइकिल की रफ्तार बनेगी ठीक है। तो द सम ऑफ कनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉन्स्टेंट राइट। दोनों जोड़ हमेशा फिक्स रहेगा इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह देंगे राइट। एक्सरसाइज 8 सी है इस एक ही क्वेश्चन करवाने के लिए है फिलहाल। अगले क्वेश्चन अगले लैक्चर करा इस तो जो अगले क्वेश्चन है ए मास ऑफ 4 किलोग्राम फॉल वर्टिकली थ्रू डिस्टेंस 40 मीटर कम्स टू हाइट होएगी वैसे कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग 10.19 सेंटीमीटर इंटू ए सॉफ्ट मट वट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड। मीनस पार्टीकल उपरों सुटिया रोड़ा से कोई मान लो तो एक मतलब मड है गारा है या पोली मिट्टी है तो क्योंकि 40 मीटर उपर तो डिगया है तो वह कोई ना कोई कनेटिक एनर्जी आ जाएगी है ना। तो कनेटिक एनर्जी जी है ये तो है नहीं गा कि मड के उपर आगे रुकजूगा है ना। मड क्योंकि सॉफ्ट है तो मड के अंदर धसेगा कि धसेगा 10.19 सेंटीमीटर दत्ते रखे बाद चो रुक जाएगा क्यों क्योंकि मड भी उन्होंने रजिस्टेंस ऑफर करती हैगी है राइट। तो देखना कि मड ने रजिस्टेंस किन्नी ऑफर की थी। ये तो बड़ी सिंपल जी गल है कि जिनी कनेटिक एनर्जी पार्टीकल अचीव कर लेगा उन्नी उन्नी रजिस्टेंस ऑफर करके उन्होंने रेस्ट से लेना पेगा है ना। तो इतने एम जोड़ा है 4 किलोग्राम है एन जोड़ा है एच सॉरी जो हाइट हैगी 40 मीटर हैगी है सो कनेटिक एनर्जी गेंड किन्नी होगी है ना 4g मास में जी ना गुणा कर दो तो 40 मीटर ये थोड़ी कनेटिक एनर्जी आ जाएगी एम जी एच है ना। जो पार्टिकल हाइट तो डिगता तो एम जी एच होंगी 16 किलोग्राम मीटर जी है। तो कनेटिक एनर्जी जी है रिड्यूस टू 0 वाइल पेनिट्रेटिंग द मड थ्रू डेप्थ 10.19 सेंटीमीटर या 0.1019 मीटर इनटू द मड राइट।
सो लैट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड, है ना। तो हूँ क्योंकि एक वर्टिकल फोर्स लग रही होगी मड द्वारा, वो उपर लग रही होगी, पार्टीकल थले नहीं जा रहा, तो जरा उपरों डिग गया स्टोन या पार्टीकल, तो जी रिजल्टेंट फोर्स की होगी फिर वो आर माइनस फोर के फोर किलोग्राम वेट होएगी, फोर वह वेट है एम जी, है ना। ये डिफरेंस जरा है वो नैट फोर्स अपवर्ड में लग रही है जी, वर्टिकल अपवर्ड। तुम्हें करना इस नैट फोर्स में इक्वल कर दो, क्योंकि आ कनेटिक एनर्जी है, आ नैट फोर्स जो बराबर हो जाएगी, पार्टीकल रुक जाना है प्रिंसीपल ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, है ना, बराबर करता इतों जो है अपना आर का जोड़ा है फॉर्मूला अपन, सॉरी आर की जी वैल्यू है वह मिल जाएगी, 1570 जी किलोग्राम वेट जी है अपनी एनर्जी आएगी, सॉरी की कहते हैं अपनी फोर्स आएगी।